पंजाब दी मुख्यमंत्री दा वड्डा बयान, कोरोना वायरस दी महामारी ते काबू पाउणा अक्टूबर तक असंभव, सुनो कर्फ्यू वधाउण बारे की कहा। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ च बैठ के दिल्ली दे पत्रकारां नाल कीती गलबात दौरान वड्डा खुलासा किया है कि कोरोना वायरस दी महामारी दी फिलहाल दूजी स्टेज चल रही है अते इस महामारी दा वड्डा उछाल जुलाई अते अगस्त च आवेगा। उन्हां कहा कि हालात अक्टूबर तक सुधर जाणगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस समय कहा कि लॉकडाउन जरूरी है अते ओ कर्फ्यू वधाउण वास्ते अज कैबिनेट दी मीटिंग तो बाद ही फैसला करनगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस नूं मात देण लई लॉकडाउन जरूरी है। उन्हां कहा कि ओ किसानां नूं समें समें ते इस विच ढिल दिंदे रहणगे। इस समय उन्हां एक होर वड्डा खुलासा करदिआं कहा कि पंजाब दे 651 लोक निजामुद्दीन विखे तबलीगी जमात च हिस्सा लैण लई पुजे सन, जिन्हां चों 15 लोकां दा पता नहीं लगाया जा सकिआ, जबकि सरकार दे संपर्क च आए बाकी जमातियां दे सैंपल भी लए जा रहे हन। जेकर कोई पॉजिटिव केस है उसका इलाज भी किया जा रहा है। Relief only for farmers for the moment to do this. Let me tell you that the figures that are being projected for India, that we are going to peak by July or August, and that things will really flatten out and things will start normalizing around October, November, that these are very frightening figures. And for any government to take a decision to say that I'm going to do away with lockdown is only increasing the infection rate going to go up rapidly, and that I don't think any government can take a decision on that. Now you're going to ask me what we are going to decide. Well, we are having a cabinet this afternoon, and we will take a decision on that issue. And once the cabinet decides, then we will announce it. But things are not good, and it is our duty to see that this is infection is kept under check as much as possible. Bureau report, Daily Hitaishi. Watch Daily Hitaishi, Voice of Nation.